अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा हरियाणा के द्वारा आज एक विशाल भंडारे का आयोजन गुरुग्राम में बीपीटीपी सोसाइटी के सामने सेक्टर 37 डी गुरुग्राम में किया गया। इस विशाल भंडारे में मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई भाई डीपी गोयल ने, कैनविन संस्था के जो कि फाउंडर सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि भंडारे का आयोजन इस तरह से करते रहना चाहिए जिससे कि भूखों को अन्न प्यासे को पानी मिलता रहता है और हम सभी को इसमें भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इस भंडारे के आयोजन में काफ़ी लोगों ने अपना सहयोग दिया और साथ इस भंडारे का जो प्रसाद है वो सैकड़ों की संख्या में लोगों ने खाया। भंडारे में काफ़ी संख्या में लोग आसपास की झुग्गी झोपड़ियों से भी आए हुए थे जो कि अपना पेट भर कर तृप्त होकर के यहाँ से गए थे। आप देख सकते हैं किस तरह से इस खबर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों को अन्नदान करना चाहिए और हमारी तरफ से भी यह प्रेरणा हमेशा ही लोगों के बीच रहती है कि अपने जो आप कमाते हैं उसमें से कुछ अन्नदान में अवश्य लगाएं। अन्नदान किया हुआ आपको हमेशा सुखी और समृद्ध बनाता है। साथ ही आपको हम इस खबर के माध्यम से और भी जानकारी देंगे। देखते रहिए यह खबर हमारे माध्यम से। आप धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हमारे सारे प्रदेशवासियों को हमारे दिवाली की, गोवर्धन पूजा की, भैया दूज की, सभी पर्वों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जो हमारा पर्वों का उद्देश्य है वो यही है कि हमारे परिवारों की एकजुटता बने, सभी के परिवारों में उल्लास और उत्साह, और आज उसका एक छोटा रूप हमारे को यहाँ देखने को मिल रहा है। हम यहाँ गुरुग्राम में अलग अलग क्षेत्रों से आके यहाँ लोग रहते हैं, अलग अलग जिलों से आके लोग रहते हैं, तो जब यहाँ पर एकजुटता से हम कार्यक्रम करते हैं, किसी भी तरह का इस तरह आयोजन करते हैं, तो हमारे परिवारों में एकजुटता बढ़ती है, बॉन्डिंग बढ़ती है, आपस में प्यार और स्नेह बढ़ता है। इसकी हमें इस समय में ज़रूरत भी है। कोरोना में पिछले 2 साल से हम देख रहे थे एक परिवार दूसरे परिवारों से अलग होते जा रहे थे, और एक ऐसी भयावह बीमारी ने हमारे को घेर लिया था। और इस बार मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस बार हमारे जो त्यौहारों की जो रौनक थी, आज पूरे गुरुग्राम में कहीं या पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं, बहुत ही भव्य और दिव्य हमारे आयोजन होते जा रहे हैं। मैं दशहरे से कार्यक्रमों में बहुत जाना हुआ, बहुत उत्साह हमारे को देखने को मिल रहा था। मैं आज पूरी इस आयोजन कमेटी को, कटारिया जी हमारे साथ बैठे हैं, कपिल गर्ग जी हैं, कुमायूं समाज से हमारे बहुत विशिष्ट लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और ये अनुरोध करता हूँ कि इसी तरह के कार्यक्रम हमारे को मिलजुल के करते रहना चाहिए। सर, गोवर्धन के विषय में क्या कोई संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखिए, गोवर्धन जो पर्व है हमारे को गोरक्षा की या पर्यावरण संरक्षण का एक बहुत बड़ा संदेश देता है। जिस तरह से एक हमारे ब्रज भूमि पे एक आपत्ति, एक बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी थी, तो भगवान ने बताया कि कैसे संगठन में एक शक्ति होती है और यदि मिलके उसके लिए कार्य करते हैं तो बहुत सारी हमारी जो समस्याएं वो ख़त्म हो जाती हैं। जो अन्नकूट का प्रसाद है वो भी हमारे को संदेश देता है कि हम जब मिलजुल के सारे घरों से जब हम मिलजुल के ऐसा कोई आयोजन करते हैं, ऐसा प्रसाद वितरण का कार्य करते हैं, तो वो अपने आप में बहुत अनूठा उदाहरण भगवान जी ने, श्री कृष्ण जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। और आज गुरुग्राम में मुझे ही 7-8 कार्यक्रमों में जाना है, तो बहुत ही यहाँ एक त्यौहार अब मिलजुल के मना रहे हैं, तो मैं सबको दोबारा से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है 37 सेक्टर में, और सुबह से यहाँ 500 लोग खा के जा चुके हैं और आ रहे हैं, और खाना भी आप देखेंगे अन्न प्रसाद में दिल आ रहा है, सब जो खा के जा रहे हो तृप्त होके जा रहे हैं, ऐसा खुद का प्रसाद बना है। आपका फ्लैट नंबर थोड़ा थोड़ा बोलना है। मेरा नाम बगीता गुप्ता है, मैं अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता से जिला अध्यक्ष रहेंगे और आपसे मार्गदर्शन भी करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज जो प्रोग्राम में आप आई हैं? इसमें आज का जो अन्नकूट का प्रोग्राम है, अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता, बहुत ही बढ़िया मतलब रखा है, जिसमें कि लोगों को मतलब खाना वगैरह इतना टेस्टी बना है कि लोग आ भी रहे हैं, खा के जा रहे हैं, और यहाँ हमारे में काफी प्रोग्राम होते हैं और इनके अलावा नमस्कार जी, मैं संतोष गुप्ता अग्रहरी, सर्व वैश्य एकता महासभा हरियाणा का उपाध्यक्ष। आप सभी को अन्नकूट की और गोवर्धन की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और साथ ही आप लोगों को यह भी एडवाइस करना चाहूँगा कि अन्नपूर्णा का अपमान न करें, उसको महत्व दें,
उनको बचा के रखें। बहुत से घर ऐसे हैं जहां लोगों के पास अन्न पहुंच भी नहीं पाता और बहुत घरों में अन्न की बर्बादी होती है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने घर में जितना भी ज़रूरत हो उतना ही अन्न का इस्तेमाल करें, उतना ही खाएँ और बाकी बचा के रखें। अन्न और जल दोनों ही जीवन है, आप इनकी सुरक्षा और रक्षा दोनों करें। प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय सर वैश्य एकता महासभा की, आज का जो ये हमारा प्रसाद बना है इतना अच्छा बना है। प्रसाद को जब भी किसी भी भोजन को जो बनाया जाता है उसे प्रसाद को दे दिया जाता है तो अपने आप में ही अनमूल्य हो जाता है। आज उसको प्रसाद को खाकर हम सब लोग इतना तृप्त हो जाते हैं कि उसको थोड़ा सा ही रूप हमें काफ़ी रहता है। इसलिए मन सब और ये जो हमारी सभा वैश्य समाज के द्वारा ये जो आज पूरा आयोजन किया गया है इससे दूसरे लोगों को सेवा भाव भी मिला और हम सब लोगों को एक एकत्रित होकर ये सब सेवा भाव करने का मौका भी मिला है। अन्नकूट महोत्सव से कोई ऐसी सीख जो जनता को आप देना चाहें, क्या संदेश आप देना चाहेंगे जनता को कि अन्नकूट के माध्यम से लिया जा सकता है? अन्नकूट के माध्यम से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमें जितना चाहिए हम सिर्फ उतना ही ग्रहण करें। अगर हमें उस चीज़ की उसमें प्रसाद की जरूरत नहीं है तो थाली में भर कर उसे वेस्ट करने के जगह हम अपने से जो जरूरतमंद है उनको दें। मैं खुद ये काम करती हूँ कि रात को जब मेरा खाना बच जाता है, अगर मुझे लगता है कि मेरे घर में या परिवार में नहीं खाया जाएगा या मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, अगर वो खाना पूरा शुद्ध है तो उस खाने को मैं एक्स्ट्रा रोटियाँ पैक करके अगले दिन गरीब लोगों को बांट देती हूँ। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए।